लेक्चर 3 ऑन प्रोबेबिलिटी। फर्स्ट सम, इफ टू कॉइन आर टॉस्ड फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट। ठीक है, यहाँ पे आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। पिछले सम में हमने क्या फाइंड किया था? सैंपल स्पेस और नंबर ऑफ इवेंट, सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, इवेंट और नंबर ऑफ इवेंट, करेक्ट। यहाँ पे एक स्टेप आपको आगे और सॉल्व करना है, प्रोबेबिलिटी भी फाइंड करना है कंटिन्यूटी में, ठीक है ना। जो आपने 5.3 में किया था वो यहाँ पे यूज होने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहला, इफ टू कॉइन आर टॉस, इफ टू कॉइन्स आर टॉस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट। पहले हम सैंपल स्पेस लिख देते हैं। टू कॉइन आर टॉस का सैंपल स्पेस क्या आपका? दो हेड हेड और टेल, करेक्ट। दो हेड और एक हेड और एक टेल, दूसरा एक टेल दूसरा हेड और दूसरा दोनों भी टेल, करेक्ट। ये आपका टू कॉइन का सैंपल स्पेस है। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हुए यहाँ पे आपके? 1, 2, 3, 4, करेक्ट। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इक्वल टू 4, ओके। ये हो गया पहला इवेंट क्या दिया है? लेट ए बी, नहीं, गेटिंग एटलीस्ट वन हेड। यहाँ पे नाम नहीं दिया था इवेंट का, नाम दिया था क्या? नहीं, ठीक है। यहाँ पे नाम दिया हुआ नहीं, खाली बोला है कि गेटिंग एटलीस्ट वन हेड। तो हम अज्यूम करेंगे लेट ए बी द इवेंट, लिखना पड़ेगा आपको लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड। एटलीस्ट मतलब क्या? कम से कम, ज़्यादा है तो मोस्ट वेलकम, है ना। तो एक हेड से ज़्यादा होगा तो भी चलेगा। तो ए इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में HH HT TH, करेक्ट। देखो दो एच है तो भी हमने एक्सेप्ट किया ना, ज़्यादा एच है तो भी मोस्ट वेलकम, करेक्ट। तो पहले में वो दो एच हमने नोट कर दिया। कितना इवेंट हुआ यहाँ पे? नंबर ऑफ ए इक्वल टू 3, करेक्ट। आपको क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी फाइंड करने बोला था, तो हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एच। ये फॉर्मूला आपका प्रोबेबिलिटी का, क्या ये आपका फॉर्मूला? पी मतलब प्रोबेबिलिटी, ए मतलब इवेंट ए, इक्वल टू नंबर ऑफ ए जो हमने फाइंड किया ऊपर, इवेंट अपॉन नंबर ऑफ एस यानी कि सैंपल स्पेस, करेक्ट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 3 अपॉन 4, पहला फाइंडिंग हमारा हो गया, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, गेटिंग नो हेड। सैंपल स्पेस हमने जैसा था वैसे का वैसे लिख दिया। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया आपको? गेटिंग नो हेड, लेट बी बी द इवेंट ऑफ गेटिंग नो हेड। हेड चाहिए नहीं हमने को, ठीक है ना। तो एक ही है वहाँ पे ऐसा, बी इक्वल टू TT, गेटिंग नो हेड में एक ही इवेंट है ना ऐसा, TT, करेक्ट। तो नंबर ऑफ बी कितना हुआ आपका? 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना होगा? नंबर ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ एस, बराबर इक्वल टू 1 अपॉन 4। ये आपका पहला सम कंप्लीट, 5.4 का पहला सम होता है कंप्लीट, एकदम इजी सम, करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट, प्रॉब्लम सेट का फिफ्थ सम, नहीं, प्रॉब्लम सेट 5 का सेवन सम, ठीक है। 6 फेसेस ऑफ डाइस आर हैज शोन बिलो। अब डाइस में जो फेसेस है वो दिया ए बी सी डी ई और ए अगेन, ठीक है ना। लेट इफ द डाइस इज रोल्ड वंस फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपियर ऑन द अपर फेस, ठीक है। अगर डाइस हम रोल करते हैं तो क्या चांस है कि डाइस में ए आए, ठीक है। सबसे पहले हम लिखते हैं सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस लिखना पड़ेगा अपने को, एस इक्वल टू पहला ए आया, इसको ए वन लिखा। ए वन क्यों लिखा? क्योंकि दो ए थे ना, कितने थे? दो, तो कौन सा ए आया वो भी स्पेसिफाई करना जरूरी है। सेकेंड बी, थर्ड सी, फोर्थ डी, फिफ्थ ई, फिफ्थ ए टू, ये क्या होगा आपका? ए टू, करेक्ट। तो नंबर ऑफ एस कितना हुआ आपका? 6। अब पहला इवेंट पूछा है ए अपियर ऑन द अपर फेस, ठीक है। लेट अभी ये इवेंट को नाम नहीं दिया हुआ है तो हमें नाम देना पड़ेगा पहला। लेट ए बी द इवेंट दैट द लेटर अपियर ऑन द अपर मोस्ट फेस इज ए। अगर नहीं समझता है तो हैज दिस लिख दो आप, लेट ए बी द इवेंट दैट ए अपियर ऑन द अपर फेस, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ए इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर ए वन और ए टू, ए वन और ए टू, बराबर। यहाँ पे डायरेक्ट लिखा, आप चाहिए जैसे ए वन ए टू लिख के टू लिख सकते हो, बराबर। यहाँ पे नंबर ऑफ ए लोगों ने डायरेक्टली यहाँ पे नोट कर दिया, आप चाहिए तो ए इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट्स में ए वन और ए टू लिखो, फिर बाद में नंबर ऑफ ए इक्वल टू 2, ठीक है।
प्रोबेबिलिटी क्या होगा यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस 2/6। अब यहाँ पे आपको स्टॉप नहीं होना है, अगर आप यहाँ पे स्टॉप हो गए तो मार्क्स कटेगा, डिविजिबल है तो आपको डिवाइड करना है, ठीक है, पॉइंट में नहीं लिखना, बट जितना हो सके उतना डिवाइड फॉर्म में लिखना है आपको। तो क्या होगा, 2 1 2 3, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 1/3, करेक्ट। सेकेंड, डी अपियर ऑन द अपर फेस, लेट बी विद द इवेंट दैट द लेटर अपियरिंग ऑन द अपर फेस अपर मोस्ट फेस इज डी, कितना चांस है यहाँ पे, 1। तो यहाँ पे भी हम डायरेक्ट नंबर ऑफ बी लिख रहे हैं, आप पहला बी लिख के फिर बाद में नंबर ऑफ बी लिख सकते हो, ठीक है ना, बी इक्वल टू नंबर ऑफ बी इक्वल टू 1, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू नंबर ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ एस इक्वल टू 1/6। ये आपका फाइनल आंसर, क्योंकि इसको और डिवाइड किया नहीं जा सकता, करेक्ट, डन। प्रैक्टिस सेट 5.4 का थर्ड सम, देर आर 15 टिकट्स, कितने टिकट्स दिए हुए यहाँ पे, 15 टिकट्स इन अ बॉक्स इच बेयरिंग वन नंबर, इच बेयरिंग वन ऑफ द नंबर फ्रॉम 1 to 15, ठीक है, हर टिकट पे नंबर लिखा है 1 से लेके 15 तक। वन टिकट इज ड्रॉन एट अ रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट द टिकट ड्रॉन शोज एन इवन नंबर, सेकेंड शोज अ नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ 5। दो इवेंट दिया आपको, ठीक है, तो सबसे पहला इवेंट को देखने के पहले हम क्या लिखेंगे, सैंपल स्पेस, करेक्ट। तो 15 टिकट्स है जो कि नंबर है 1 to 15, देयरफॉर एस इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, डन। नंबर ऑफ एस कितना हुआ आपका 15। सैंपल स्पेस लिखने के बाद में इवेंट की बारी आती है, इवेंट को नाम दिया हुआ है क्या, नहीं, तो हम क्या करेंगे, इवेंट को नाम देंगे, लेट ए बी द इवेंट दैट द टिकट ड्रॉन शोज एन इवन नंबर, ठीक है, ओके, तो ए इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट इवन नंबर यानी कि जो 2 के टेबल में आता है, करेक्ट, 2 4 6 8 10 12 14, करेक्ट। तो नंबर ऑफ ए कितना हुआ आपका 7। प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी बोली यहाँ पे क्वेश्चन में, करेक्ट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 7/15, ये आपका फाइनल आंसर, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, शो अ नंबर विच इज अ मल्टीपल ऑफ 5, लेट बी विद द इवेंट दैट द टिकट ड्रॉन शोज अ नंबर मल्टीपल ऑफ 5, तो बी इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे डायरेक्टली नंबर ऑफ बी लिखा, आप पहला इवेंट बी लिख के पूरा लिखिए, ठीक है ना, बी इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में कितना आएगा 5 10 15, तो नंबर ऑफ बी कितना होगा 3, ओके। यहाँ पे नंबर नहीं आना चाहिए, यहाँ पे क्या आना चाहिए, बी, क्या आना चाहिए, खाली बी, तो यहाँ पे नंबर अवॉइड करना आपको, ये नंबर वाला लेटर नहीं आना चाहिए, तो बी इक्वल टू ब्रैकेट्स भी नहीं आएगा, बी इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट 5 10 15, करेक्ट, तो नंबर ऑफ बी कितना होगा अभी यहाँ पे 3, करेक्ट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू नंबर ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ एस विच इज 3/15, डिविजिबल है ये, हाँ 3 के टेबल में आता है तो 1/5, ठीक है, 3/15 पे स्टॉप हो जाओगे तो मार्क्स कटेगा आपका, टीचर मार्क्स कट करेगी, ठीक है ना, आपको डिवाइड करना आगे और, ठीक है। नेक्स्ट सम, एथ सम, अ बॉक्स कंटेन 13 टिकट्स बेरिंग ओनली वन नंबर फ्रॉम 1 to 30, ठीक है, ऑन ईच इफ द टिकट ड्रॉन एट रैंडम फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट द टिकट ड्रॉन्स बेयर ऑड नंबर अ कंप्लीट स्क्वायर नंबर, ठीक है, ऑड नंबर या फिर कंप्लीट स्क्वायर नंबर, ठीक है। अभी यहाँ पे हम लोग सैंपल स्पेस में 1 2 3 4 5 6 लेके 30 तक लिखना उचित रहेगा क्या, लेकिन इन्होंने लिखा कि नहीं लिखा है, डायरेक्टली भी नंबर ऑफ सैंपल स्पेस लिख सकते हैं सच, यहाँ पर इन्होंने नोट किया हुआ है, बरूबर ना, 1 से लेकर 30 तक पूरा नोट किया हुआ है। नॉर्मली कार्ड वाले जो सम्स आते हैं ना, वहाँ पे नंबर ऑफ कार्ड्स का डिटेल नहीं लिखते हैं, वहाँ पे डायरेक्टली सैंपल स्पेस लिख देते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है तो यहाँ पे भी आप डायरेक्टली नंबर ऑफ सैंपल स्पेस लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपने लिखा है तो सैंपल स्पेस ऑफ बॉक्स कंटेन टिकट्स बेरिंग ओनली वन नंबर फ्रॉम 1 to 13, देयरफॉर नंबर ऑफ एस इक्वल टू 30 आप लोग लिख सकते हो, और ऐसे लिखा तो ज़्यादा बेटर है, जितना
आप इलाबरेट करोगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल है, बरोबर। तो नंबर ऑफ एस इक्वल टू 30 डायरेक्टली भी लिख सकते हो, बट ये सब बताना ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। अभी ऑड नंबर यानी कि क्या, या जो टू के टेबल में नहीं आते, शॉर्ट इन शॉर्ट बोला जाता है ना। तो लेट ए बी द नंबर, अभी इवेंट को नाम नहीं दिया था हमने, नाम दिया लेट ए बी द इवेंट दैट द टिकट ड्रॉन्स बियर्ड एंड ऑड नंबर। तो ए इक्वल टू 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, ठीक है। ये सारे क्या हुए आपके ऑड नंबर्स, कितने हुए ये पूरे, ये 15 टोटल हुए आपके 15, करेक्ट। प्रोबेबिलिटी फाइंड करने बोला है, करें ना, क्वेश्चन में लिखा फाइंड द प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इक्वल टू नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस, तो 15 अपॉन 30 विच विल गिव यू 1/2, समझा आपको ये, ओके। नेक्स्ट अ कंप्लीट स्क्वायर नंबर, ये आपके लिए नया होगा। कंप्लीट स्क्वायर नंबर किसको बोलते हैं आपको समझना बहुत जरूरी, ठीक है ना। लेट बी बी द इवेंट दैट द टिकट ड्रॉन बी एज अ कंप्लीट स्क्वायर नंबर, ठीक है। बी इक्वल टू, अभी देखो 1 का स्क्वायर क्या होता है, तो 1 इज अ कंप्लीट स्क्वायर। 2 का स्क्वायर क्या होता है, तो 4 इज अ कंप्लीट स्क्वायर नंबर। 3 का स्क्वायर 9 इज अ कंप्लीट स्क्वायर। नेक्स्ट 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36 तो है नहीं, तो लास्ट आपका 25 नंबर आएगा, ठीक है ना। नंबर का स्क्वायर निकालने पे जो आंसर आएगा वो आंसर आपका कंप्लीट स्क्वायर नंबर है, वो आंसर क्या आपका कंप्लीट स्क्वायर नंबर है, करेक्ट। तो नंबर ऑफ बी कितना हुआ आपका 5, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू नंबर ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ एस विच इज 5/30, 1/6, करेक्ट। प्रोबेबिलिटी सम बहुत इजी बोनस है आपके लिए, बस थोड़े से टर्म्स को समझना है। जैसे कि यहाँ पे ये कंप्लीट स्क्वायर नंबर, अगर आपको पता नहीं कंप्लीट स्क्वायर नंबर क्या होते हैं, तो अगेन आप क्या करोगे एग्जाम में मिस्टेक्स करके आ जाओगे। बहुत से बच्चे प्रैक्टिस नहीं करते और ये सब बेसिक बेसिक चीज़ें भूल जाते हैं, कंप्लीट स्क्वायर नंबर क्या होता है, और एग्जाम में मिस्टेक्स हो जाती है, ठीक है। प्रॉब्लम सेट का 5th नंबर, ठीक है। प्रॉब्लम सेट 5 का 11th सम, देर आर 6 कार्ड इन अ बॉक्स इज बेयरिंग नंबर 0 to 5। इस बार कार्ड में नंबर कहाँ तक है, 0 से लेके 5। 0 एक नंबर हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। इस तरीके 6 कार्ड हो गए, कितने कार्ड हो गए 6। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, क्वेश्चन में बोला प्रोबेबिलिटी तो वो फाइंड करना पड़ेगा। ऑफ ईच ऑफ द बॉक्स ईच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट दैट द कार्ड ड्रॉन शोज अ नेचुरल नंबर। तो सबसे पहले हम लोग सैंपल स्पेस लिख देते हैं, बरूबर ना, क्या लिख देते हैं सैंपल स्पेस। 5 मार्क्स के समय 4 मार्क्स एक एक मार्क्स इन सभी के लिए और 1 मार्क्स आपका सैंपल स्पेस के लिए, करेक्ट। 5 मार्क्स हो गया ना, या आते एग्जाम में चांस होता है कि ऐसे सब सम्स आ जाए, ठीक है। द सैंपल स्पेस ऑफ द एक्सपेरिमेंट इज एस इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो नंबर ऑफ एस कितना हुआ आपका 6, करेक्ट। उसके बाद में और नेचुरल नंबर क्या फाइंड करना आपको, इवेंट क्या दिया आपको नेचुरल नंबर है, करेक्ट। तो नाम तो दिया नहीं, हम नाम दे देंगे लेट ए बी द इवेंट दैट द कार्ड ड्रॉन शोज अ नेचुरल नंबर। तो कौन से नंबर है यहाँ पे नेचुरल नंबर, 2, 3, 4, 5, ठीक है ना। 0 नहीं आएगा, 0 होल नंबर में आता है, करेक्ट। नेचुरल नंबर में 0 नहीं आता, तो 1, 2, 3, 4, 5, ये सब बेसिक नॉलेज चाहिए बस हम चैप्टर सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो नंबर ऑफ ए कितना हुआ आपका 5, तो प्रोबेबिलिटी कितना होगा 5/6, नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस विच इज इक्वल टू 5/6, डन। सेकंड, नंबर लेस देन वन कितना है 0। लेट बी बी द इवेंट दैट द कार्ड ड्रॉन फ्रॉम द ड्रॉन शोज अ नंबर लेस देन 1, तो बी इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में 0। नंबर ऑफ बी कितना हुआ 1। बहुत से बच्चे एक्साइटमेंट में नंबर ऑफ बी 0 लिख देते हैं, क्योंकि अंदर 0 है ना, तो उनका मेमोरी में क्या होता है, क्या चलता रहता है कि वो नंबर ऑफ बी भी 0 लिख देते हैं। नंबर ऑफ बी कितना आएगा आपका 1, एक एलिमेंट है तो 1 आएगा, समझा। तो 0 भी एक नंबर है ना,
तो ये आपका वन हो गया। कुछ भी नहीं होता तो नंबर ऑफ बीज जीरो आता, समझे आपको ये? तो नंबर ऑफ बी कितना हुआ आपका वन, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना होगा आपका नंबर ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ एस इक्वल टू वन अपॉन सिक्स, करेक्ट। नेक्स्ट अ होल नंबर, ठीक है, या लेट सी बी द इवेंट दैट कार्ड ड्रॉन शोन अ होल नंबर, मतलब सारे के सारे नंबर आ जाएंगे होल नंबर, यानी कि जीरो से लेके एंड तक इन्फिनिटी तक, बरोबर। तो सी इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट जीरो वन टू थ्री फोर फाइव, करेक्ट। देयरफॉर नंबर ऑफ सी इक्वल टू कितने नंबर पे है सिक्स, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इक्वल टू नंबर ऑफ सी अपॉन नंबर ऑफ एस इक्वल टू सिक्स अपॉन सिक्स विच इज नथिंग बट वन, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज वन, वो भी लिख सकते हो वन अपॉन वन भी लिखा तो ठीक है, बट वन अपॉन वन वन नहीं होता अल्टीमेटली, है ना, वो भी डिवाइड हो रहा है, वन अपॉन वन इज वन, इसलिए खाली वन लिख दिया, ठीक है। लास्ट अ नंबर इज ग्रेटर देन फाइव, नहीं आएगा, ये एम्प्टी स्पेस होगा, क्या होगा आपका एम्प्टी स्पेस। लेट डी बी द इवेंट दैट कार्ड ड्रॉन शोज अ नंबर ग्रेटर देन फाइव, तो डी इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में कुछ नहीं लिखना है आपको, बरूबर ना, ये आपका एम्प्टी सेट है, तो नंबर ऑफ डी कितना हुआ आपका जीरो, कुछ भी नहीं अंदर, यहाँ पे जीरो लिखना है आपको, करेक्ट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी इक्वल टू नंबर ऑफ डी अपॉन नंबर ऑफ एस इक्वल टू जीरो अपॉन सिक्स विच इज नथिंग बट जीरो जीरो, ठीक है, कितना होगा आपका ये जीरो, ओके डन। ओके नेक्स्ट ईच कार्ड बेयर लेटर वन लेटर फ्रॉम द वर्ड मैथमेटिक्स, ठीक है, द कार्ड्स आर प्लेस ऑन द टेबल अपसाइड डाउन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड ड्रॉन्स बियर्स द लेटर एम, हमने कार्ड्स को उल्टा लिख दिया, मैथमेटिक्स कार्ड पे मैथमेटिक्स की स्पेलिंग हर कार्ड पे एक एक लेटर लिख दिया और कार्ड को उल्टा रख दिया, क्या चांस है कि आपका जो कार्ड आपने ड्रॉ किया है उसमें लेटर एम आए, लेटर एम आए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग सैंपल स्पेस लिखते हैं, मैथमेटिक्स में एम दो बार आ चुका ऑलरेडी, बरूबर ना, तो देर आर 11 अल्फाबेट्स, कितने अल्फाबेट्स है 11 मैथमेटिक्स, हाँ एम वन एम टू करके लिखेंगे, देयरफॉर जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया 11 ने भी डायरेक्टली क्या लिखा है नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, कई कई केस में आप नंबर ऑफ सैंपल स्पेस डायरेक्ट लिख सकते हैं, इवेंट को तो आपको पूरा बताना ही बताना है, इवेंट को तो आपको पूरा बताना ही बताना है, इवेंट को आप शॉर्ट में नहीं लिख सकते हो, बट सैंपल स्पेस को आप कहीं कहीं भी जैसे ये वाले सम में डायरेक्टली आप नंबर ऑफ सैंपल स्पेस लिख सकते हो, और डायरेक्टली नहीं लिखना है तो एस इक्वल टू एम वन बराबर ए वन टी वन एच ई एम टू ए टू टी टू आई सी एस, ऐसा लिखना पड़ेगा, और डायरेक्टली भी लिख दिया नंबर ऑफ सैंपल स्पेस तो प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। 11 लेट ए बी द इवेंट दैट लेटर दैट द लेटर इज एम, अभी वहाँ पे लिखा तो डायरेक्टली हम यहाँ पे भी ए ये लिखेंगे, सैंपल स्पेस होता तो सैंपल स्पेस से उठा के लिखते ना, अभी यहाँ पे भी हम लोग डायरेक्टली ये लिख देंगे नंबर ऑफ ए, लिखा होता तो यहाँ पे भी लिख पाते थे हम लोग एम वन और एम टू लिखते अगर हमने सैंपल स्पेस लिखा होता, तो यहाँ पे नंबर ऑफ ए इक्वल टू टू, प्रोबेबिलिटी बोला था यहाँ पे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस टू अपॉन 11, दैट्स इट, सम कंप्लीट, दो मार्क्स का सम, ठीक है, सैंपल स्पेस का एक मार्क्स और इवेंट का एक मार्क्स। जोसेफ गिव 26 कार्ड इन अ कैप बियरिंग वन इंग्लिश अल्फाबेट्स ऑन ईच कार्ड, वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज अ वोवेल, ठीक है, 26 अल्फाबेट है, हर अल्फाबेट कार्ड में लिख के कैप में डाल दिया, अब क्या चांस है जो आप कार्ड उठाओगे वो वोवेल आएगा, ठीक है, वोवेल कितने होते हैं पता है आपको, ए ई आई ओ यू, ठीक है, सब बेसिक अगर पता है तो आप सॉल्व कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे, पांच होते हैं ना यहाँ पे भी सैंपल स्पेस लिखना पॉसिबल है क्या, नहीं, ए बी सी डी बचपन की याद दिला देगा आपको, ठीक है ना, तो आप डायरेक्टली क्या लिख दोगे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, करेक्ट।
द अल्फाबेट्स ऑफ इंग्लिश आर एस इक्वल टू, इन्होंने लिख दिया पूरा, चलो कोई बात, हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ एस इक्वल टू 26. लेट ए बी द इवेंट दैट द कार ड्रॉन इज अ वॉवेल कार, तो ए क्या होगा, ए इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट ए ई आई ओ यू, करेक्ट, तो नंबर ऑफ ए कितना हुआ आपका 5, तो प्रोबेबिलिटी कितना होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस, तो 5 अपॉन 26, ये रहा आपका फाइनल आंसर, समझे आपको ये, ठीक है. नेक्स्ट, अ बलून वेंडर हैज टू रेड 3 ब्लू एंड 4 ग्रीन बलून्स, वी वॉन्ट टू चूज वन ऑफ देम एट रैंडम टू गेट टू गिव इट टू द प्रणाली, वॉट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द इवेंट दैट प्रणाली गेट्स अ रेड बलून, क्या चांस है कि प्रणाली को रेड बलून मिले, ब्लू बलून मिले या फिर ग्रीन बलून मिले, बरोबर ना. अब रेड ब्लू ग्रीन ये कलर जो है उसको हम लोग नंबरिंग दे देंगे, दो रेड है तो R1 और R2, तीन ब्लू है तो B1, B2, B3, और फोर ग्रीन है तो G1, G2, G3, G4, तो सैंपल स्पेस लिख सकते हैं आराम से हम लोग, ठीक है. लेट R1, R2 बी द रेड बलून, B1, B2, B3 बी द ब्लू बलून, एंड G1, G2, G3, G4 बी द ग्रीन बलून, तो सैंपल स्पेस में क्या होगा, सारे हमने इवेंट लिख दिए, कितने हुए टोटल 9, नंबर ऑफ एस इक्वल टू 9. अब पहला क्वेश्चन बोला, पहला इवेंट प्रणाली को क्या मिलना चाहिए, रेड बलून, तो लेट ए बी द इवेंट दैट प्रणाली गेट्स अ रेड बलून, तो ए इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में क्या आएगा R1 और R2, ठीक है, तो नंबर ऑफ ए कितना होगा आपका 2, तो प्रोबेबिलिटी कितना होगा 2 अपॉन 9, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस, therefore probability of A equal to 2 upon 5, 2 upon 9, समझा आपको ये, okay. Next, a blue balloon, let B be the event that प्रणाली gets a blue balloon, तो B equal to curly brackets में B1, B2, B3, बरोबर, तो number of B कितना हुआ 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना होगा, पहला आप लिखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू नंबर ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ एस 3 upon 9 विच इज इक्वल टू 1 upon 3, करेक्ट. यहाँ पे बच्चे बहुत मिस्टेक कर देते कैंसिलेशन करने में, ये सब चैप्टर के सम्स आते तो बच्चे बहुत एक्साइटेड हो गए, कुछ ना कुछ तो मिस्टेक करके आते हैं, बहुत से बच्चे 1 upon 6 लिख देते हैं गाई में भी, ऐसे बहुत सारे मिस्टेक्स होते हैं, तो आपको बहुत केयरफुल एकदम आईज और माइंड को ओपन रख के करना, ठीक है ना, सम्स नहीं तो क्या होगा एग्जाम में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगा. थर्ड, लेट सी बी द इवेंट दैट प्रणाली गेट्स अ ग्रीन बलून, तो सी इक्वल टू G1, G2, G3, G4, करेक्ट, नंबर ऑफ सी कितना हुआ 4, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इक्वल टू नंबर ऑफ सी अपॉन नंबर ऑफ एस विच इज इक्वल टू 4 upon 9, करेक्ट, डन. ओके, नेक्स्ट, सिक्स्थ सम, अ बॉक्स कंटेन 5 red, 8 blue and 3 green पेन्स, Rutuja wants to pick a pen at random. What is the probability that the pen is blue? ठीक है, तो रेड पेन को हम लोग R1, R2, R3 ऐसे ले लेंगे ना, ठीक है, तो लेट R1, R2, R3, R4 एंड R5 बी 5 रेड पेन, और ब्लू कितना 8 है, तो B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8 बी द 8 ब्लू पेन, और ग्रीन पेन कितना है 3 है, G1, G2, G3 बी द 3 ग्रीन पेन, ठीक है. अकॉर्डिंगली सैंपल स्पेस कितना होगा आपका, जितना भी आपने ऊपर लिखा नंबर वो सब लिख दोगे, 8 + 5 + 3 कितना होगा 16, तो नंबर ऑफ एस इक्वल टू 16. अब पूछा है प्रोबेबिलिटी ब्लू पेन का, ब्लू पेन कितनी यहाँ पे 8, तो यहाँ पे कोई इवेंट का नाम तो दिया नहीं, पहले हम इवेंट का नाम देंगे ना, लेट ए बी द इवेंट दैट द ऋतुजा पिक्स अप अ ब्लू पेन,
तो ए इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट्स में बी वन बी टू बी थ्री बी फोर बी फाइव बी सिक्स बी सेवन एंड बी एट, करेक्ट। तो नंबर ऑफ ए कितना हुआ आपका 8, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना हुआ आपका नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस इक्वल टू 8 अपॉन 16, 8 वन जा 8 टू जा 1 अपॉन 2, करेक्ट। नेक्स्ट सम, अ बैग कंटेन 3 रेड 3 वाइट एंड 3 ग्रीन बलून्स, सॉरी 3 ग्रीन बॉल्स, वन बॉल इज टेकन आउट from a bag at random, what is the probability the ball drawn is a red, not red, either red or white। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा अच्छा दिया हुआ है, ठीक है ना, एकदम बेसिक नहीं दिया, थोड़ा घुमा के दिया हुआ आपको क्वेश्चन। तो ठीक है, सबसे पहले सैंपल स्पेस लिखेंगे, उसके पहले हम लिखेंगे लेट 3 रेड बॉल्स बी आर वन आर टू एंड आर थ्री, करेक्ट, वाइट बॉल्स डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू एंड डब्ल्यू थ्री, ग्रीन बॉल्स जी वन जी टू एंड जी थ्री, तीनों भी तीन तीन था। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हुआ आपका 9, ठीक है। पहला इवेंट नाम नहीं है, नाम देंगे लेट ए बी द इवेंट द बॉल ड्रॉन इज रेड, द बॉल ड्रॉन इज रेड, तो कितना चांस है यहाँ पे 3, तो ए इक्वल टू आर वन आर टू एंड आर थ्री, तो नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ ए 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1 अपॉन 3, नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस इक्वल टू 3 अपॉन 9 विच इज 1 अपॉन 3, करेक्ट। नेक्स्ट नॉट रेड, तो रेड को छोड़ के सब लिखना है, लेट बी बी द इवेंट दैट द बॉल ड्रॉन इज नॉट रेड, तो रेड को छोड़ के सभी के सभी डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू डब्ल्यू थ्री जी वन जी टू जी थ्री, तो कितना हुआ आपका ये 6, नंबर ऑफ बी इक्वल टू 6, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू नंबर ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ एस 6 अपॉन 9, 3 3 के टेबल में आएगा 2 अपॉन 3, करेक्ट। नेक्स्ट आइदर रेड और वाइट, रेड भी चलेगा और वाइट भी चलेगा, ग्रीन नहीं बोला हुआ है ना, तो लेट सी बी द इवेंट दैट द बॉल ड्रॉन इज आइदर रेड और वाइट, तो सी इक्वल टू आर वन आर टू आर थ्री डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू डब्ल्यू थ्री, करेक्ट। नंबर ऑफ सी इक्वल टू 6, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इक्वल टू नंबर ऑफ सी अपॉन नंबर ऑफ एस 6 अपॉन 9 2 अपॉन 3, समझा आपको ये, ठीक है। नेक्स्ट टेंसम, इन अ गेम अ चांस, इन अ गेम ऑफ चांस अ स्पिनिंग एरो कम्स टू रेस्ट एट वंस वन ऑफ द नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑल दिस आर इक्वल लाइकली आउटकम्स, मतलब सबका चांस इक्वल है, बरोबर ना, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट रेस्ट एट 8, क्या चांस है कि वो एरो 8 पे आके रुके, ये रहा आपका गेम, ठीक है। ऐसा बहुत सारे मोबाइल पे गेम्स आते हैं, उसमें भी एक आता है व्हील रोटेट करने का, और यहाँ पे अलग अलग ऑफर्स मिलते हैं आपको, ठीक है। तो यहाँ पे ऑफर्स तो नहीं है बट नंबर्स दिए, क्या दिए, नंबर्स दिए, ठीक है, हाँ स्पिन द व्हील करके, करेक्ट। तो सबसे पहले हम सैंपल स्पेस लिखते हैं, व्हील के अंदर कितने नंबर है 1 से लेकर 8 तक है, तो सैंपल स्पेस इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट 1 2 3 4 5 6 7 8, नंबर ऑफ एस कितना हुआ आपका 8, ठीक है। नेक्स्ट आपका पहला इवेंट दिया है 8 आना चाहिए, जो एरो है वो 8 पे स्टॉप होना है, क्या चांस है एरो का 8 पे स्टॉप होने का, बरोबर ना, प्रोबेबिलिटी फाइंड करना, फाइंड द प्रोबेबिलिटी कि एरो 8 पे आके स्टॉप हो, तो लेट ए बी द इवेंट दैट एरो स्टॉप एट ए, दैट एरो विल रेस्ट एट 8, तो ए इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट्स में क्या आएगा 8, ठीक है। नंबर ऑफ ए कितना हुआ आपका 1, तो प्रोबेबिलिटी पूछा है, तो प्रोबेबिलिटी कितना होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस 1 अपॉन 8, करेक्ट। नेक्स्ट क्या दिया आपको, एन ऑड नंबर, ऑड नंबर इसमें क्या है 1 3 5 और 7, बी इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट 1 3 5 7, ठीक है। तो नंबर ऑफ बी कितना हुआ आपका 4, तो प्रोबेबिलिटी कितना होगा नंबर ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ एस
फोर अपॉन एट, वन अपॉन टू, करेक्ट। सेकेंड भी हो गया। थर्ड, अ नंबर इज ग्रेटर देन टू, लेट सी बी द इवेंट, नहीं सी बी द इवेंट दैट एरो रेस्ट एट नंबर ग्रेटर देन टू। ये आपको थोड़ा स्टेटमेंट लिखने को भी आना चाहिए, नहीं समझता तो हेजिटेस भी लिख सकते हो, लेट सी बी द इवेंट दैट, आगे का हेजिटेस, ठीक है, अ नंबर ग्रेटर देन टू। यहाँ पे एरो रेस्ट बोला था तो वो वर्ड बार बार यहाँ पे आ रहा है, करेक्ट। तो सी इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में ग्रेटर देन टू बोला ना, तो थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, तो कितना हुआ ये सिक्स नंबर्स। नंबर ऑफ सी इक्वल टू सिक्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इक्वल टू नंबर ऑफ सी अपॉन नंबर ऑफ एस, सिक्स अपॉन एट, दोनों टू के टेबल में आता है, थ्री अपॉन फोर, डन। लास्ट, नंबर इज लेस देन नाइन, सारे नंबर आ जाएंगे फिर तो, लेट डी बी द इवेंट एट द एरो रेस्ट एट नंबर लेस देन नाइन, हाँ वो सेम वन आ जाएगा इसका आंसर, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। तो नंबर ऑफ डी इक्वल टू एट, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी इक्वल टू नंबर ऑफ डी अपॉन नंबर ऑफ एस, एट अपॉन एट विच विल गिव यू वन, ठीक है। लास्ट नहीं, एक बचा लास्ट, ठीक है, आज का लास्ट सम। आउट ऑफ 200 स्टूडेंट इन फ्रॉम अ स्कूल, कितने बच्चे स्कूल में, 200, 135 लाइक्स कबड्डी एंड द रिमेनिंग स्टूडेंट डू नॉट लाइक द गेम, ठीक है। 135 हो गया, अच्छा लग रहा है कबड्डी, बाकी को गेम अच्छा नहीं लगता। इफ वन स्टूडेंट इज सिलेक्टेड एट द रेंडम फ्रॉम ऑल द स्टूडेंट, 200 बच्चों में से अगर हमें एक बच्चे को पिकअप करना है, क्या प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट सिलेक्टेड डज नॉट लाइक कबड्डी, क्या चांस है कि उसको कबड्डी पसंद ना आए, ठीक है। यहाँ पे हम सैंपल स्पेस लिख तो नहीं सकते, स्टूडेंट वन एस वन एस टू एस थ्री है ना 200 तक, तो डायग्राम नंबर ऑफ सैंपल स्पेस लिखेंगे यहाँ पे, देर आर 200 स्टूडेंट इन अ स्कूल, बरोबर। तो लेट एस इक्वल टू नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो नंबर ऑफ एस इक्वल टू 200, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या बोला हुआ है, लाइक कबड्डी, ठीक है, तो उसको कैसे प्रेजेंट करते देखते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक कबड्डी इक्वल टू 135, देयरफॉर नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डू नॉट लाइक कबड्डी इक्वल टू 200 माइनस 135, बताना पड़ेगा क्यों, क्योंकि आपको उसी की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है ना। नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डज नॉट लाइक कबड्डी इक्वल टू 200 माइनस 135 विच विल गिव यू 65। अब उसी का प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, लेट ए बी द इवेंट दैट स्टूडेंट डज नॉट लाइक द कबड्डी, बरोबर। तो नंबर ऑफ ए, यहाँ पे भी हम सैंपल स्पेस क्या बोलते हैं, इवेंट के इवेंट को लिख नहीं सकते, बरोबर ना, ए इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट्स में हम इवेंट लिख नहीं सकते, बरोबर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ ए इक्वल टू 65 डायरेक्टली, ओके। तो प्रोबेबिलिटी पूछा था, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस, 65 अपॉन 200, 5 से कैंसिल होगा, 5 12 5 40 5 13 5 40 5 13 5 40, बरोबर। तो और डिवाइड हो सकता है क्या, नहीं, तो ये आपका फाइनल आंसर, ठीक है। तो हमारा लेक्चर 3 होता है कंप्लीट।